जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। वैसे वीडियो तो मैं इस फोन की शूट कर रहा था जो कि अभी मैं ब्लर कर दूंगा, कल आएगी। और मैं अक्सर आउटडोर शूट करता हूं तो मैं यहां आया हुआ था बिकॉज मुझे कुछ कैमरा सैंपल्स लेने थे। थोड़े दिन में इसमें आम लगने वाले भाई, मतलब थोड़े दिन बाद मुझे यहीं आना पड़ेगा। तो फोन की वीडियो डेली शूट होती है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बेस्ट फ़ोन ढूंढते हो अपने लिए, और अगर कोई फ़ोन ऑफ़र में आ जाए भाई उससे बढ़िया कोई फ़ोन नहीं होता। और मुझे लगा ये वीडियो देनी चाहिए आपको, एक क्विक अपडेट, लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। तो शुरू करें, सब्सक्राइब करें, एक काफ़ी सारा काम हो गया, लेकिन 2 मिलियन सब्सक्राइब करवा सकते हो आप। रिसेंटली मैंने आपको कैमरा कंपैरिजन भी दिया था भाई, वन प्लस नोट सी ई वर्सेज रियल मी 9 प्रो प्लस का, उसमें जो जैसा था वो तो मैंने आपको बता दिया। और उससे 2 दिन पहले रियल मी जी टी नियो 223,000 के आसपास मिल रहा था, 6,000 सबके लिए डिस्काउंट था, बस COD अप्लाई नहीं करना था। और अगर उस रेट में वो फ़ोन मिलता है तो भाई क्या ही कहना, 870 स्नैपड्रैगन, UFS स्टोरेज, 120Hz डिस्प्ले और कैमरा वगैरह, मतलब मैंने अपने वीडियो में कहा था कि नोट अप टू द मार्क नहीं था, बट जब 23,000 रुपये मिलेगा तो फिर सारी चीज़ें अप टू द मार्क चली जाएंगी ना। अब आप कहोगे वो तो हमें पता है कौन सी नई बात थी, बट रिसेंटली मेरे पास WhatsApp मैसेज आया, मेरे किसी जानकार ने Reno 6 बाय किया 19,000 में। Reno 6 जो कि एक ऑफलाइन फ़ोन है, ऑनलाइन की दुनिया में भी आगे इतना सस्ता मिल रहा, किसी भी ऑनलाइन फ़ोन से बेटर मिल जाएगा वो। प्रीमियम फ़ोन, प्रीमियम डिज़ाइन, सब कुछ, मतलब आप कंप्लेन नहीं कर सकते। इवन अगर किसी को गिफ्ट देना, घर में देना है, जैसे गिफ्ट फ़ोन कौन देता है, टोफिया या पेनी मिले हमें तो गिफ्ट में, खैर जो भी है। सैडली Reno 6 लेकिन अभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए आया था फ्लिपकार्ट पे। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रियलमी GT मास्टर एडिशन, ये फोन आपको याद होगा, ये ऑफर में 17,000 के आसपास मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे। थोड़े दिन पहले रियलमी X7 Max 21,000, फिर 19,000 का मिला है लोगों को। iPhone 12 50,000 का मिला था, मैंने खुद लेके उस बेच दिया था, और सैड फॉर दोस्त जिन्होंने भाई उसको ओरिजिनल प्राइस पे लिया, जो कि गलत बात है, उनकी रीसेल वैल्यू नहीं बच पाती। बट देखो ब्रांड बिजनेस करता है, मेरा काम है आपकी हेल्प करना, नहीं तो ये वीडियो, कल सुबह तो वीडियो आ ही रही थी ना, ये सिर्फ आपके लिए बताया कि भाई आप मेरी वीडियो देखते हो, एटलीस्ट यार जो बेस्ट चीजें अगर आपको मिल जाए, मतलब मेरा क्या जाता है। S20 FE 5G एडिशन कितना महंगा फोन था, लोगों ने 32,000 33,000 का बाय किया। सबसे ज्यादा ऑफर में फोन वैसे रियलमी वाले आए हैं, जितने भी आए हैं और जिस भी रेट में आए ना, चाहे वो X7 Max हो, GT मास्टर एडिशन हो, GT नियो 2 हो, ये सारे मतलब कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो। अब आपको पता है कि 2021 से क्या चल रहा है, चिप शॉर्टेज या काफी सारी चीजों की वजह से प्राइसिंग बढ़ चुकी है। तो आप सोचोगे ये सारी राम कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारे फोन तो हमेशा ऑफर पे नहीं रहते, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑफर में आते रहते हैं। रियलमी 9 प्रो प्लस मतलब आप 25,000 में लेना चाहो लो, लेकिन क्यों लोगे जब ये ऑलरेडी इतना ऑफर पे बेचते हैं। तो ऐसे में क्या करना, पूरा वीडियो बनाने का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, बाकी मेरी बात पे 2 लोग ध्यान मत देना। जिसके पास पहला फोन अच्छा चल रहा है उसको आप चलाओ फोन रोज आते जाते रहते हैं, दूसरा अगर आपकी जरूरत नहीं है तब फोन मत बाय करो, ये जरूरत वालों के लिए है। तो पैसे आपका जो भी बजट है, स्पेशली ये जो 20-30 हज़ार वाली रेंज है, इसको आप पैसे को संभाल लो, नहीं संभाल सकते मम्मी को दे दो, दोस्त को मत देना, उसका कुछ कर भी नहीं पाओगे अगर उसने खरीद दिया, मजाक की बात है, बट आपको पैसे सेव करने हैं। सो पैसा इकट्ठा हो गया और इसको फिर आपको रखना है संभाल के, जैसे ही फ़ोन आता है ऑफर में इसको लपेट लो आप, मतलब बाय कर लो, ये आपके लिए बेस्ट डील होगी। क्योंकि होता क्या है, आप लोग पूछते हो इतने ज़्यादा ऑफर में क्यों आ जाते हैं, क्या ये फ़ोन ख़राब है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना, ब्रांड वाले फ़ोन लॉन्च कर देते हैं, समटाइम्स क्या होता है उनको अगली सीरीज को चलाना है, या फिर समटाइम्स कोई कोई सीरीज इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। याद होगा रियलमी X7 Max इतना महंगा आया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा उस रेट के हिसाब से प्रीमियम कम था, सो वो उतना ज़्यादा मतलब सेल को पकड़ नहीं पाया, बाद में सस्ता करके बेचेंगे तो क्या करेंगे, और बाद में जिस रेट में मिला वो प्रीमियम भी था, सब कुछ था। सेम अलग अलग चीज़ों के साथ अप्लाई होती है, उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, आपने देखा ना बैंक ऑफर देता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांड सस्ता कर रहा, इसमें बैंक वाले दो बार हो गया, मतलब ब्रांड वाले साथ में जिस प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, ये सारे मिल के आपस में कनेक्शन तगड़ा सा बना के फिर ये ऑफर लेकर आते, स्टॉक भी खाली होता है, इसमें सबका फायदा होता है। अगर एकदम अर्जेंट नहीं है ना, थोड़ा स्मार्ट यूजर बनो, स्मार्ट डील करो, थोड़ा वेट तो देखो आपको करना पड़ेगा, कब ऑफर आएगा प्लीज ये मत पूछना, मैं ब्रांड वाला नहीं हूँ कि मैं डील करता हूँ। सबसे मस्त तो मुझे ये लगता है कि ये फोन आप बेचोगे जिस दिन रीसेल वैल्यू में आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो बस पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो और लपेटने के लिए तैयार हो जाओ जो भी बेस्ट फोन आएगा। और भाई अब हम भी चलते, काफी लेट हो रहा है यार, आज रात भर जगना पड़ेगा, बिकॉज सुबह वीडियो आ रही है, एम्बार्गो है उस फोन का। आप में से जो लोग पूछते हो ना भाई एकदम से कैसे आती है सबकी नोटिफिकेशन, देखो कल 12 बजे एम्बार्गो है तो 12 बजे से पहले नहीं डाल सकते, 12 बजे बाद जब मर्जी डालो। अब व्यूज किसको नहीं चाहिए, लपेटना है सबको, जैसे आप ऑफर लपेटते हो तो हम सारे इकट्ठे 12 बजे आते हैं, किसी की एडिटिंग लेट हो गई, कोई लेट आना चाहे उसकी मर्जी हो, लेट आ सकता है। और अगर आपको ये थोड़ा ऐसे व्लॉग टाइप वीडियो पसंद आती है, काफी सारी चीजें मैं शेयर करता हूं, तो GT प्लस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, प्रमोशन OP डिस्क्रिप्शन लिंक में होती, लिंक डिस्क्रिप्शन में होती। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलता हूं आपसे
अगले वीडियो में।